पंच दिवसीय त्यौहार का शुभारंभ 5 तारीख से हो रहा है। सोमवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इसको विधिवत मनाएं, नया पात्र खरीद कर मनावें तो सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। द्वितीय दिन यानी पंच दिवसीय त्यौहार के द्वितीय दिन 6 नवंबर हनुमान जयंती है, इसलिए आज हनुमान जी की पूजन अवश्य करें, इससे सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है। शास्त्र में उल्लिखित है आज के दिन ही हनुमान जी का जन्म मेष लग्न में हुआ था। उनके शरीर से करोड़ों सूर्य एक साथ चमक रहे थे। ऐसे महाबली की पूजा मंगलवार को रात्रि में अवश्य करें तो हनुमान जी का आशीर्वाद वर्ष पर्यंत बना रहेगा। इसके साथ ही अब हम इस पंच दिवसीय त्यौहार में तीसरे दिन आते हैं। तीसरे दिन दीपावली का पर्व है और यह दीपावली के पर्व में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अमावस्या तिथि में ही पूजन कर लें। क्यों? कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि में ही दीपावली के पूजन का विशेष महत्व है। तो बुधवार को अमावस्या तिथि रात्रि 9:19 तक ही रहेगी। तो जो लोग भी पूजन दीपावली में करते हैं माता लक्ष्मी की और गणेश जी की, वह जान ले कि रात्रि 9:19 के अंदर अमावस्या तिथि में ही पूजन करें। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें और सूर्यास्त होने के पश्चात माता लक्ष्मी और श्री गणेश का ध्यान करें और स्थापित करें। भगवान श्री गणेश के दाहिनी ओर लक्ष्मी जी को स्थापित करें और षोडशोपचार पूजन करें, कमल का पुष्प रखें, तो धन धान से आप पूर्ण होंगे। वर्ष पर्यंत लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती रहेगी। पतवार के दिन अन्नकूट महोत्सव होगा। श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के निमित्त यदि हम अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं तो हम धन धान से पूर्ण होते हैं। और इसके बाद बारी आती है शुक्रवार, 5वां दिन होगा भैया द्वीज का। बहने क्या करें आज के दिन? बहनों को चाहिए कि अपने भाइयों के उत्तम आयु यानी दीर्घायु के लिए प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निमित्त होकर यमराज और यमराज की बहन यमुना देवी, चित्रगुप्त और स्वयं अपने इष्ट देव की पूजन करें। ऐसा करने से सर्वाधिक लाभ मिलता है। इसके साथ ही कोई आसन बिछा दें, उस पर भाई को बैठा दें, उसके हाथ पर धुलवा दें। इसके पश्चात उन्हें विभिन्न प्रकार का व्यंजन मिष्ठान खिलावें। और भाइयों का भी यह कर्तव्य है कि अपने अनुसार यानी सामर्थ्य के अनुसार बहनों को द्रव्य दें या स्वर्ण चांदी दें या रत्न दें, भूमि दे, इससे उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी भाइयों को सुख मिलता है और भाई दीर्घायु बने रहते हैं। गुरु जी, माना जाता है दीपावली के पहले हनुमान जयंती के साथ कोई और पर्व भी मनाए जाते हैं। बिल्कुल, नरक चतुर्दशी ये बहुत बड़ा पर्व होता है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यह मंगलवार को है और इस दिन नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। हनुमान जयंती के साथ साथ नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के दिन यदि हम दीपदान करते हैं यमराज के निमित्त तो हम नरक का द्वार नहीं देखते हैं, स्वयं राजा बलि के आशीर्वाद मांगने पर वामना अवतार भगवान विष्णु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी नरक चतुर्दशी के दिन मेरे निमित्त और यमराज के निमित्त पूजन करेगा, और मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है कि यमराज के निमित्त दीपदान करें, एक दीपक ले लें और चौमुखा उसमें दीपक में बत्ती बना लें चारों तरफ और उस चौमुखा दीपक को अपने द्वार पर निकाल दें, जला दें। इससे क्या होगा कि आपको नरक की यातनाएं नहीं देखनी पड़ेगी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी।